मंच पे लाने का काम करें। मुजफ्फरनगर से एक और साथी जिनका नाम मेरे पास आया है, अर्जुन सिंह जी, जो जिनके ऊपर अभी रासुका लगी हुई है, उनके परिवार के परिवारजन जो आए हैं, गोपाल सिंह जी, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार को सहयोग देने वाले गाजियाबाद से हमारे बीच में 1100 रुपए का सहयोग दे रहे हैं नवीन जी, जो उनके साथी जो आए हैं अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति सेवानगर से, रोहतासी महेंद्र दत्त जी, वर्मा जी, परवेश जी, दीपक जी, सुंदर पाल जी, वे ये एक बस के साथ आए हैं। मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग इन परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए अपने पूरी टीम के साथ आए हैं। आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हापुड़ से मनोराम सिंह प्रधान जी, सुल्तान सिंह जी, सुल्तान सिंह यादव जी, हेलो, ये जो जिस साथी के पास ये लाइट की व्यवस्था है उससे मेरा निवेदन है, मंच पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे वाले आप लोग जलाने का कृपा कष्ट करें, पीछे के साथियों को मंच वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए एक फोकस लाइट लगाइए उस पर, ऊपर जो लगी हुई है उसको ऑन कीजिए आप लोग, धन्यवाद। हापुड़ से सुल्तान सिंह यादव जी, चंद्रपाल सिंह जी, चरण सिंह जी, मास्टर जी, लाल जी, हुकुम जी, उदयवीर जी, कलुआ खां जी, बाबूलाल जी, अपनी अन्य भारी लोनी से पधारे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। ब्रजेश गौतम जी, अंकित जी, चंद्रभान जी, दुली चंद जी, राजपाल जी, इंद्रपाल जी, समस्त समाज के दलित साथी गाजियाबाद से उपस्थित हुए, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि ये लोग अपने पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हमारा हौसला बढ़ाया है। खोड़ा से, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से 6 बसें लेकर आए हैं, 9 कार लेकर आए हैं, उदय वीर सुमन जी मुखिया, संतोष गौतम जी, डॉक्टर महेंद्र गौतम जी, मुकेश गौतम जी, सुल्तान यादव जी, नाहर सिंह जी व सभी अन्य साथी इस कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा ट्रस्ट कादराबाद गोविंदपुरी मोदीनगर से ये भी 3 बस लेके आए हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अगली कड़ी में जो भी हमारे कलाकार साथी हैं, शशिभूषण जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी सूची दे दें, और पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जो साथी भारत बंद के दौरान जो लोग जेल गए थे, जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए थे, वो लोग अपना नाम सूची में दर्ज करा दें, जिनसे उनका सम्मान हो सके इस मंच के द्वारा। गाजियाबाद अर्थला से बंटी जी 2 अप्रैल को जेल गए थे, हम इनका भी इस मंच से स्वागत करते हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। हेलो, मेरा सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, बाहर जो पीछे जो खड़े हुए हैं सभी सम्मानित साथी कृपया अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं आमंत्रित करता हूं वक्ता की कड़ी में सबसे पहले छात्र नेता प्रिंस प्रभाकर जी को, वो आए। प्रिंस प्रभाकर हैं यहां पर? प्रिंस प्रभाकर,
प्रिंस प्रभाकर भाई हमारे छात्र नेता हैं, उन्होंने लगभग 200 गांवों में जाकर के मीटिंग करी है। सम्मानित साथियों, कल यहां पर बीजेपी का प्रोग्राम था मोदी जी का, वो प्रोग्राम फेल हो गया था, हमें आकर के यहां पे पता चला था। तो इसलिए इन चालाक किस्म के लोगों ने हमारी काफी गाड़ियों को बॉर्डर पे रोक रखा है जाम लगवा करके, लेकिन सभी साथी यहां पर 1 और 2 के बीच में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना करके रखें और कृपया आप लोग अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है और 2 मिनट के लिए इधर प्रिंस प्रभाकर जी आए और अपना वक्तव्य रखे बिना कोई भूमिका बनाए, ना मेरा कोई जिक्र करेंगे, केवल महापुरुषों को नमन करते हुए आप आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आओ प्रिंस भाई, एक वक्ता निबट जाएगा साथ में। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए इस आज के इस बहुजन समाज में जन्मे जो 2 अप्रैल में मेरी जैसी उम्र के नौजवानों के प्रतिमा अनावरण में देश के कोने कोने से चल के आए सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, 2 मिनट का समय मिला है, इसलिए बात को चंद समय में रखने की प्रयास करूंगा। मेरे सम्मानित साथियों, यहाँ का जो सैलाब उमड़ रहा है पूरे देश से आ रहा है, वो लोग आकर के हम लोग, हम नीले धारियों को, हम जैसे नौजवानों को, हमारी क्रांति को वो भगवा में रंगना चाहते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं, ए भगवा धारियों, अरे तुम नीले से बच के नहीं जाओगे, अरे समुद्र का रंग नीला और आकाश का रंग नीला, ये नीला है, ये छुपेगा नहीं। मेरे सम्मानित साथियों, हम तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, अरे जैसा चाहो ऐसे आ जाओ, अरे तुम्हारी तख्त पलट कर देंगे, 2019 में तुम्हारे हाथ में कमल डंडा थमा दे, ये बहुजन समाज के लोग, तो ये बहुजन समाज से पैदा नहीं, मेरे समाज के लोगों, चंद समय मुझे मिला है, चंद समय में अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास करूंगा। आप डरो बस, अरे ये डर डर वाले बहुजन नहीं, ये तो सीने पर एक गोली खाई एक नौजवान ने 2 अप्रैल को, अरे तुम्हारे सीने में 4-4 गोली उठने वाले बहुजन क्रांति है, तुम्हें कच्चा खा जाएंगे ये लोग। मेरे समाज के लोगों, ये कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, ए भक्त मेरा एक काम कर दे, ए भक्त मेरा एक काम कर दे, हो सके तो फिर से एक लम्हा मेरे नाम कर दे, अरे कर ना सके डॉक्टर अंबेडकर काशीराम पैदा, कम से कम एक मायावती तो पैदा कर दे। और मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश भाई साहब ने कहा था कल कि अगर बहन जी का अपमान होता है तो मेरा अपमान है, लेकिन अखिलेश भाई साहब आपका अपमान होता है तो ये बहुजन समाज के लोगों का अपमान है, हम आपका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ए मेरे सम्मानित साथी लोगों, आप लोग यहाँ पर भारी तादाद में उपस्थित हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये आगाज करने के लिए आया हूँ, इन्होंने कल भाड़े के टट्टू आकर के यहाँ 10,000 इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये भारू के टट्टे नहीं, अरे ये तो क्रांति का प्रतीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति है। मेरे सम्मानित साथियों, समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दे देता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले 19 में तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम। जो भारत बंद में जो 3 महिलाएं जेल गई थी, एक शोभापुर से, 2 जालौन से, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, कृपया करके मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए। इसी कड़ी में उदयवीर सुमन मुखिया खोड़ा से, राम सेव गाजियाबाद कार्यकर्ता, वो 500 रुपए सहयोग कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। 1100 रुपए से दान कर रहे हैं श्रीमान के सुमन जी, रिटायर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रक्षा मंत्रालय भजनपुरा से,
हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। 5000 से सहयोग करते कर रहे हैं हमारे साथी रमेश कुमार जी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महासचिव एयरपोर्ट्स SC ST एसोसिएशन, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।